हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, आज हमने ये बंद गोभी और आलू की बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनाई हुई है, जो कि बनाना तो बहुत ही आसान है, लगता भी बहुत अच्छा है। तो आप एक बार बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, हमने आधा बंद गोभी ले लिया है और प्याज है और आलू है। इसको हमने बंद गोभी को अच्छी तरीके से काट लेना है, महीन महीन। ये देखिए इस तरीके से हम काट रहे हैं, जितना महीन कट रहा है उतना महीन हम काट रहे हैं। इसके बाद हमको इसको अच्छी तरीके से बंद गोभी और आलू को धुल लेना है और इसको हम उबलने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए, कुकर में हमने सभी बंद गोभी और आलू को डाल देना है और इसके बाद हम ये थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें, ताकि अच्छी तरीके से ये उबल जाए। आधा कटोरी के करीब हमने पानी डाला है और इसको आलू जितना देर में उबलता है उतना हमने सीटी लगा लेना है। तो इसको हम उबाल लेते हैं, फिर ठंडा होने देंगे, अपने से स्टीम निकल जाए, फिर इसको ठंडा होने के बाद में इसको हमने निकाल लेना है। ये देखिए इस तरीके से हम पानी निचोड़ के इसमें से जितना निकल जाए उतना हम इसमें से इसको निकाल देंगे पानी। ये सब्ज़ी लगती बहुत टेस्टी है, आप एक बार बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट्स भी कीजिएगा। ये देखिए, बंद गोभी का जितना भी पानी है हमने इसको निचोड़ के अच्छी तरीके से निचोड़ देना है। ये देखिए, हमने इसको निचोड़ लिया है, पानी आपको दिख रहा होगा। और आलू को भी हमने छील लिया है। अब कढ़ाई में सरसों का तेल हमने डाल देना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा तेल लगता है इसमें, तो हमने ये ढाई चम्मच, बड़े ढाई चम्मच के करीब हमने ये तेल डाल दिया है। अब इसमें ये देखिए, जीरा, इलायची और दालचीनी हमने डाला है चटकने के लिए। अब ये चटक जाए, इसके बाद हमने तेज़पत्ता डाल देना है, दो तेज़पत्ता है ये। इसके बाद हमने ये जो एक प्याज काट के रखा हुआ था उसको डाल दिया है। इसको अब गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए, ये हो जाए गोल्डन ब्राउन। इसके बाद हमने मसाले डालने हैं। अब ये देखिए, हल्का लाल हो गया है। अब हम इसमें मसाले डाल लेते हैं। अब ये देखिए, अदरक, लहसुन, जीरा, काली मिर्च का पेस्ट है। इसमें प्याज भी हमने पीसा हुआ है। ये देखिए, इसको अब डाल दिया हमने दो चम्मच, दो बड़े चम्मच हमने ये डाल दिया है। अब इसमें ये धनिया पाउडर डालेंगे, डेढ़ चम्मच हमने धनिया पाउडर डाल दिया है। अब इसके बाद मिर्च डालना है, लाल मिर्च है, आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकती हैं। और फिर ये हल्दी पाउडर है, थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला जले नहीं। तो इसको हमने भून लेना है अच्छी तरीके से, आँच को हमने धीमा ही रखना है, तेज़ नहीं करना है। अब हमने नमक डाल देना है, जितना भी हमारा सब्ज़ी में डलेगा उतना नमक हम डाल देंगे। इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। दो तीन मिनट करके भून लेना है, आँच को धीमा रख के। ये देखिए, तेल जो है अब ये छोड़ दिया है, अब ये हो गया है। अब हम इसमें आलू को डाल देंगे, जो मैश करके हमने, थोड़ा सा ज़्यादा छोटा टुकड़ा नहीं करना है, नहीं तो बंद गोभी में ये मिक्स हो जाएगा। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा बड़े साइज़ के टुकड़े हमने रखने हैं और इसको फोड़ फोड़ के हमने इसमें डाल दिया है। इसको मिला लेंगे अच्छी तरीके से। इसको धीमी आंच पे ही इस सब्ज़ी को भूनना है। अभी बंद गोभी के जो हमने निचोड़ के रखा हुआ था उसको है जो, उसको खोल के डाल देना है। जो हमने बंध गया था ये दब हमने पानी निचोड़ा था, तो जिसकी वजह से ये बाइंड हो गया था, तो इसको हमने फोड़ कर उसके बाद इसमें डाल देना है। ये देखिए, सभी हमने बंद गोभी को डाल दिया है और इसको अच्छी तरीके से मसाले में हमने मिला लेना है और इसको धीमी आंच पर कम से कम 15 मिनट तक तो भूनना ही है, जिससे कि इसमें अच्छी खुशबू भी आने लगे, बहुत अच्छे से ये भून जाए। इसको धीमी आंच पर चलाते रहना है, भूनते रहना है। ये इसको देखिए, इस तरीके से
पलटते जाना है, अंदर से नीचे से हल्का हल्का ये लाल होता जा रहा है सब्जी, पलटते पलटते हम इसको थोड़ी थोड़ी देर पर इसको पलटते रह रहे हैं। आँच को हमने धीमा ही रखा है, ये देखिए नीचे से ये रेड कलर होता जा रहा है, इसी तरीके से हमने चलाते हुए पलटते रहना है, सब तरफ से इसी तरीके से गोल्डन ब्राउन हल्का हल्का भून लेना है। ये देखिए अब आ गया है कि सब्जी में कलर जो है अब ये आ गया है। 10 से 15 मिनट हो गया है इसको भूनते हुए, आँच को हमने मीडियम ही रखा है, चलाते रहें ताकि जले नहीं। अब ये कंप्लीट हो गई है सब्जी, ये देखिए ये रोटी के साथ परौठे के साथ में बहुत ही टेस्टी लगता है, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, थैंक यू फ्रेंड्स आपको ये वीडियो देखने के लिए।